इतना भर गया है। ये मैं एक डंडी कहीं से लाई थी, ये देखिए। लॉन की जरूरत नहीं है, अगर आप प्लांट लवर हैं, आपके घर में जितनी भी जगह है आप वहीं पर उन प्लांट्स को लगाएं, ये ना सोचें कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है। मैंने अभी कुछ वही एक डेढ़ हफ्ते पहले इसके अंदर 3-4 डाले थे और आज देखिए इतना जमघट बन गया इसका। रही हूँ मैं, ये देखिए ये है ट्यूबर। आप डिसअपॉइंट ना हो और अपना जो ये हॉबी है, अपना जो पैशन है, दीवानापन है, इसको अपने अंदर जिंदा रखें, ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं आ रहा हूँ राजस्थान में और बैक टू बैक अब मेरे चैनल पे शुरू होने जा रही है राजस्थान की सीरीज़, जयपुर की सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें बैक टू बैक आपको एपिसोड देखने के लिए मिलने वाले हैं टेरेस गार्डन के। काफ़ी ब्यूटीफुल वीडियोस आने वाली है चैनल पे। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम आए हुए थे अदिति खंडेलवाल जी के घर पर, जिनका बेहतरीन हमने फ्रंट यार्ड आपको दिखाया था, काफ़ी सारे ट्रे गार्डन दिखाए, एडेनियम के प्लांट दिखाए, इंडोर आउटडोर पर भरपूर हमने बातें करी थी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो उसी में आज मैं पार्ट टू शूट करने जा रहा हूँ। इनके लॉन भी मैम का काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको वाटर प्लांट देखने के लिए मिलने वाले हैं और साथ ही में काफ़ी सारे पाम्स हैं और भी काफ़ी सारे प्लांट्स की कैटेगरी है जिन पर हम बात करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्लांट्स पर हम बातें करेंगे और काफ़ी नॉलेज आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर रोजाना अपलोड होती रहती है। अभी चैनल पर चलिए जयपुर सीरीज़, जयपुर में बैक टू बैक 8-10 वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ऐसे ही काफ़ी सारे स्टेट्स में मैं विजिट करता हूँ और उनके भी टेरेस गार्डन की वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो थैंक यू संदीप जी, आप मेरे घर पे आए हैं और मेरा लॉन पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा आप लॉन देख रहे हैं और ये सेटअप देख रहे हैं सारा मेरे हाथ का करा हुआ है। यहाँ पर एक जंकयार्ड सॉर्ट ऑफ था और मैंने यहाँ से सारा का सारा ट्रॉलियाँ भर भर के कचरा यहाँ से उठवाया, फिर उसके बाद में हमने इसमें खाद डाली, इसको पता नहीं क्या क्या करा, फिर जा कर के कहीं हमने इसमें घास लगाई, चारों तरफ हमने हेज लगाई। ये जो आप देख रहे हैं गोल्डन बैम्बू, ये मेरे हाथ का लगाया हुआ है। ये सारे जो प्लांट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे बोगनविला मिलेंगे आपको, साइकस दिखेगा, ये सारा का सारा मेरा खुद का लगाया हुआ है। और क्योंकि ये ज़मीन में यहाँ पर है बेसिकली, तो सारे ही प्लांट्स ना बहुत बड़े हो गए हैं। और चलिए जैसा कि आपने बोला मैं आपको सबसे पहले अपना वाटर कलेक्शन दिखाती हूँ। ये मेरा वाटर कलेक्शन है सारा का सारा। यू कैन सी कि मैंने बहुत सारी वाटर लिलीज लगाई हुई हैं। आज ही देखिए वो जो पीला फूल था कमल वाटर लिली का, वो आज अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटा पहले बंद हुआ है। जब हम आए थे, जब मैं आया था फ्रेंड यहाँ पे, तब ये खिला हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं इसकी पिक्चर मैम से ले लूँगा, आप देख लीजिएगा साइड में, इसको मैं लगाने वाला हूँ। तो वो वाला जो है वो वाटर लिली है। देखिए वाटर प्लांट्स में बेसिकली अगर हम कमल और लिली की बात करते हैं तो ये दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं। कमल के अंदर आपको ज़्यादा गहरा जाता है, मतलब इतनी टेक्निकलिटीज में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कमल अलग होता है, वाटर लिली अलग होती है। नहीं, आप बेसिक नॉलेज जरूर दीजिए हमारे व्यूअर्स को ताकि वो भी ग्रो कर सके। तो देखिए कमल जो होता है, जो हमने हमेशा भगवान के पास में जो लगता हुआ देखा है ना फूल, पिंक कलर का और व्हाइटिश थोड़ी सी जो टोन होती है वो होता है कमल। और कमल जो होता है वो बहुत ऊंचा जाता है और दलदल में खिलता है, और वहीं वो एक ही तरीके का आता है जनरली। और जो वाटर लिलीज होती हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके पत्ते भी थोड़े छोटे होते हैं, उसकी हाइट जो होती है वो भी थोड़ी छोटी होती है, इतनी ही हाइट होती है बस उसकी जी। और उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे आप पानी अगर पत्ता देख रहे हैं तो उसके ऊपर पानी जो होता है ठहर जाता है, उसके पत्ते के ऊपर गिरता नहीं। जब भी कमल का अगर आप देखें तो एक तो उसकी डंडियाँ बहुत ऊँची जाती हैं, पत्ते बहुत ऊँचे जाते हैं, और कमल भी उसमें जो होता है ऐसे ऊपर निकल के खिलता है, और उसके जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर आप एक पानी की ड्रॉप डालेंगे ना तो ऐसे गोल गोल घूमेगी और नीचे गिर जाएगी, तो उसमें पानी ठहरता नहीं। तो कमल अलग है, और जनरली जो हम घरों में उगा पाते हैं, लेकिन कमल को उगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। वाटर लिलीज आर वेरी इजी टू मेंटेन और उनको बड़े आसानी से हम उगा सकते हैं, तो मेरे पास में भी इसलिए मैंने वाटर लिलीज लगाई हुई है। कमल भी भगवान ने चाहा तो ज़रूर मेरे पास एक दिन होगा, लेकिन अभी तो मेरे पास वाटर लिलीज है। तो आप देखेंगे कि ये वाला मैंने आपको दिखाया, मेरा पीले रंग का वाटर लिली है जी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पीच कलर का वाटर लिली है मेरे पास में। ओके। मेरे पास में नील कमल भी एक वैरायटी है, एक पर्पलिश कलर का एक फ्लावर आता है, वो भी मेरे पास में वैरायटी है। ओके। और ये जो आप देख रहे हैं ये है अम्ब्रेला पाम, और ये पानी में और मिट्टी में दोनों में उग जाता है। अच्छा। लेकिन पानी में ये पता है ये मैं किसी के लिए लेकर के आई थी, आधा मैंने उन्हें दे दिया था, आधा मैंने ऐसे ही इसको टब में डाल दिया। Okay. और आप मानोगे मैंने इसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, और आज देखिए कितना बड़ा हो गया है अपने आप में। और ये जो आप देख रहे हैं
बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसके सीड्स हैं, अभी गिर गए हैं सीड्स, बाकी इसमें से ना सीड कलेक्शन कर सकते होते हैं। फरवरी के महीने में आप आराम से इनको सीड्स को रखिए और अगले साल आप बोएं इसको, तो ये आपके पास में रेडीली अवेलेबल प्लांट जो है वो आ जाता है। सो दिस इज अनदर वाटर प्लांट दैट आई हैव, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। अगर आप यहाँ पर देखें, इसको बोलते हैं वाटर कैबेज। ये भी दो वैरायटी में आता है, तो मेरा वाला जो है वो वाटर कैबेज, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ एक। देखिए ये बहुत बड़ी वैरायटी है और ये ऐसा ना इतना भर गया है, ये मैं एक डंडी कहीं से लाई थी, ये देखिए। और ये इतना हार्डी और बिल्कुल टैंट्रम स्टोर नहीं करता, तो ये और बड़े मज़े से ऐसे ना बिल्कुल फूल की तरह से ये खिलता है, और इसका नाम है वाटर कैबेज। तो इसकी छोटी वैरायटी भी आती है, मेरी वाली बड़ी वैरायटी है। इसको अगर आप एक टब में एक ही छोड़ दें तो पूरे टब जितनी बड़ी होती है, ये ऐसी वैरायटी है। और इस पर मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, अगर इसका आप नीचे मिक्सचर देखें तो मैंने आधा ताज़ा गोबर और आधी मिट्टी डाल के बस इसको यहाँ डाल रखा है, उसके अलावा मैंने इसको अभी देखा ही नहीं है। एंड और ये इतने मज़े से यहाँ पर बढ़ रहा है, बहुत सुंदर। इसमें ही अगर आप ये देखें तो ये पेनीवर्थ करके प्लांट होता है, ये इसको डॉलर प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसके ऐसे सिक्के सिक्के जैसे ये हैं, कुछ लोग इसे चाइना कॉर्न भी कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो काफ़ी मतलब प्लांट्स का मैंने देखा है कि देखिए जो बॉटनिकल नेम्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन अदरवाइज लोग ना नर्सरी वालों के आप जाओगे तो वो उसको कुछ और ही बोलेंगे, अपने नाम होते हैं। हाँ उनके सबके अपने अलग नाम होते हैं। तो ये वाला जो है ये भी वाटर प्लांट है, और अगर इसको पानी में ना भी रखें लेकिन अगर मॉइस्चर वाली बहुत जगह हो वहाँ अगर आप रखें तो ये बहुत खुश रहता है। इसकी एक स्टोरी है मेरे पास में जी। तो मैं किसी के घर पे गई थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया, अब उन्होंने बोला कि इसको मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है, तो मैंने क्या करा, हमारे यहाँ पर एक टंकी है और टंकी में जब मोटर चलाते हैं पानी गिर जाता है, और हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि 5-7 मिनट वो पानी गिरता है उसके बाद हम मोटर बंद कर पाते हैं, तो वहाँ बहुत ही जानता था मिट्टी 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 और ऐसे रहता था और पानी बहुत रहता था, मैंने इसे वहाँ लगा दिया और तब से मेरे घर में ये कहीं नहीं जाता और ये बड़े मज़े से मेरे यहाँ पर जो है रह रहा है। तो प्लांट्स को भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सी जगह उनके लिए ज़्यादा सूट, मतलब वो एक जो बिल्कुल दलदल जैसी जगह थी आज वो इतनी ब्यूटीफाई हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लांट। चलिए मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ, ये जो है ये वाटर बैम्बू है, ये मैंने अभी नया नया, मैं भी किसी के घर गई थी बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, प्लांट्स के बारे में यूट्यूब करती हूँ जी, और मेरे जो चैनल का नाम है वो है फ्लोरा फ्रेंजी, तो फ्लोरा इस पौधे, फ्रेंजी मतलब पागलपन। मेरे ख्याल से जितने भी लोग होते हैं तो जिनको पौधों का शौक होता है वो जो शौक होता है वो पागलपन की हद तक जाता है, तो मेरे चैनल का नाम भी उस पागलपन से ही निकलता है, तो आप जरूर देखिएगा मेरा चैनल। तो मैम के चैनल का लिंक फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा इनकी। थैंक यू संदीप जी फॉर दैट। ओके सो दिस इज अ बैम्बू, वाटर बैम्बू, और ये भी आराम से बड़ा पानी में चल जाता है। आप देखेंगे इसके अंदर जब मैं अभी 10 दिन पहले इसको लेके आई थी तो केवल ये 3 डंडियाँ थी, आज इसमें से ये जो है ये शूट्स जो हैं ये निकलने लग गई हैं, सो दैट मीन्स कि ये जो प्लांट है मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर हैप्पी है। ओके तो ये और ये जो है ये अगर आप देखेंगे 5-star होटल्स के अंदर आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा लैंडस्केपिंग के अंदर। Okay. उसके अलावा चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आपने आई एम प्रीटी श्योर नाम तो सबने सुना होगा, सो दिस इज जलकुंभी। ओके और इसके अंदर बड़ा सुंदर फ्लावर खिलता है, इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने अभी कुछ वही 1-1.5 हफ्ते पहले इसके अंदर 3-4 डाले थे और आज देखिए इतना जमघट बन गया इसका। अच्छा मतलब महीने भर के अंदर ये भर गया पूरा। बिल्कुल नाइस। तो वाटर प्लांट्स और एक्चुअली अभी जो मौसम है ये डॉर्मेंसी से बाहर निकलने के बाद वाला मौसम है जब हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो दिस इज लाइक आपको दिखेगा कि सारे प्लांट्स इस समय में ना ग्रो कर रहे होते हैं। सो ये जलकुंभी है, इसके अंदर पर्पलिश व्हाइट कलर का एक प्लांट फ्लावर निकलता है, बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो दिस इज वाटर फर्न, ये देखिए ये मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना अपना एक टब खाली करा था उसके अंदर से येलो वाला जो मैंने आपको लिली दिखाई है वो निकली है, और इसके अंदर मैं आपको शायद और भी कुछ दिखा पाऊंगी। एक मिनट देखिए ढूंढ रही हूँ मैं, ये देखिए ये है ट्यूबर जो कि मुझे मेरी ये जो ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ वाटर लिली है ये इसके ट्यूबर्स है, इनसे पूरा का पूरा प्लांट जो होता है वाटर लिली का वो बन सकता है। सो दिस इज़ दैट, और ये जो अगर आप देखेंगे दोबारा से मेरा वही वो है जो मैंने अपनी प्लांट अलग अलग करे थे उनका ये प्लांट्स हैं, 8-10 प्लांट इसके अंदर जो है ये डाल रखे हैं हमने। हाँ मैं बात कर रही थी वाटर फर्न की, तो ये वाटर फर्न जो होता है ये भी एकदम लो मेंटेनेंस है, इसको कुछ नहीं चाहिए, धूप में बस पानी चाहिए, और इसमें आप देखेंगे नीचे भी मैंने इसमें ना मिट्टी डाल रखी है और ना मैंने गोबर डाल रखा है, मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा, केवल पानी है,
और ये इतनी खुशी से यहाँ पर तैर रहा है। और ये भी देखिए इसकी कितनी ब्यूटी है कि इसके पानी जो है यहाँ टिका हुआ है, देखिए जा नहीं रहा जी। सो ये है वाटर फर्न। इसी के अंदर मेरे पास में एक और है, दिस प्लांट इज कॉल्ड एज पैरट्स फैदर। अगर आप इसको प्यार से देखेंगे एकदम, तो जैसे तोता होता है, तोते के नहीं होते पंख जैसे होते हैं जी, तो इसी तरीके का है, दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड आफ्टर पैरट्स फैदर। तो ये एक अलग प्लांट है, इसको भी अगर आप कहेंगे तो मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग थिंग है, तो ये अभी इतना नहीं बढ़ पाया है, और देखिए और कितने सारे बढ़ गए मेरे 10-15 दिन में ही। तो दिस इज पैरट्स फैदर। और इसके साथ में ही मेरा जो वाटर कलेक्शन है वो फिनिश हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अगर आप मेरा ये वाला टब देखेंगे तो आपको इसके अंदर ना नीचे टब नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने पुराने तरीके से लगाया हुआ है, इसको मैंने डायरेक्ट पॉट करा हुआ है। अच्छा। तो इसके अंदर मैंने आधा गोबर आधा मिट्टी ली थी, और सीधे जो कमल था वो मैंने इसके अंदर, मतलब लोटस वो जो था वाटर लिली, मैंने इसके अंदर लगा दिया था। वहीं मैंने अभी एक नई चीज़ सीखी है, जो कि अगेन एक हैं जो कि ही इज़ एक्सपर्ट इन वाटर लिलीज, मैंने उनको बुलाया था मेरे घर पे, हर्षवर्धन वो आए और उन्होंने हमें सिखाया। तो ये आप देखेंगे ये क्लीन वाटर का है, यहाँ आपको ज़मीन भी बड़े आसानी से दिख रही है। प्लस हमने एक कुंडी ली जो मेरी खाली हुई थी अडीनियम वाली, वो कुंडी मैंने यहाँ ली, और एक जो ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ वाटर लिली है वो हमने इसके अंदर पॉट कर दी। नाउ यू कैन सी, देखिए इसमें नया पत्ते आ रहा है, आपको दिख रहा होगा जी जी। प्लस इसके अंदर हम लोग थोड़े थोड़े दिनों में NPK डालेंगे। ओके ठीक है। NPK जो होता है वो फ्लावर्स की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है, तो हर थोड़े थोड़े दिनों में ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसके अंदर मैं NPK डालूंगी। ओके। तो वो धीरे 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 इसमें जाता रहेगा और फ्लावरिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। नाइस। सो कैसा लगा संदीप आपको? बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आई थिंक आज का ये जो हमारा वीडियो चल रहा है इससे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वाटर प्लांट्स अब लगाना भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैम का लॉन है तो मैम ने लगाना स्टार्ट किया है, आप इसे अपने टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं, तो इजीली ये टेरेस गार्डन में भी अच्छे से ग्रो होने वाले हैं। सेम प्रोसेस है मैम, इसके लिए टब वगैरह इजीली इसी में लग जाएगा। बिल्कुल, मैं तो सारा इन्हीं टब में बताती हूँ। और जो आपने ये बात कही है बहुत ही खूबसूरत बात कही जी, कि आपको लॉन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लांट लवर हैं, आपके घर में जितनी भी जगह है आप वहीं पर उन प्लांट्स को लगाएं, ये ना सोचें कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जब भी मैं किसी टेरेस गार्डन में विजिट करता हूँ लोगों का कमेंट आने लग जाता है। हाँ। कि भैया इनका तो काफ़ी बड़ा स्पेस है, हम तो लगा ही नहीं पाते, हमारे तो पौधे मर जाते हैं। तो फ्रेंड मैं मानता हूँ कि पौधे मर जाते होंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, गार्डनिंग सीख रहे हैं आप, कुछ पौधे मरते भी हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेस की, तो स्पेस मेरे को लगता है कि गार्डनिंग के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। रिसेंटली मैं एक घर पे गया था जहाँ पे 1 BHK में उन्होंने 250 प्लस प्लांट लगा रखे थे। बिल्कुल, और आसानी से लग जाते हैं आपको, लेकिन वही पागलपन की जरूरत होती है। पागलपन तो अपने आप ही आएगा जब आप स्टार्ट करोगे। बिल्कुल, तो जो भी लोग कमेंट करते हैं ना स्पेस नहीं है इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे, तो आप स्टार्ट कर दो और देखिए अपने आप बनेगा और अपने आप ग्रोथ होते हैं, क्योंकि वो जिंदा चीज है तो वो मरते हैं। बट प्लीज उससे आप डिसअपॉइंट ना हो, और अपना जो ये हॉबी है, अपना जो पैशन है, दीवानापन है, इसको अपने अंदर जिंदा रखें, ट्राई करें। और मैंने देखा है कि पता है शुरू शुरू में ना प्लांट ज़्यादा मरते हैं, थोड़े दिनों बाद वो अपने आप ही जीना सीख जाते हैं और वो फिर आपके अपने आप से ही वो प्लांट्स जो होते हैं वो मरते नहीं हैं। सो डोंट लूज होप। मरने के भी काफ़ी रीजंस होते हैं, जब आप कंटिन्यू गार्डनिंग करते रहोगे तो आपको रीजंस पता चलते हैं। मेरे ख्याल से वो अपने आप ही ना ठीक होता जाता है। सो दैट इज हाउ धीरे धीरे रीजंस पता लग जाते हैं ना, कि हमारा इस बार हमने सॉइल सही नहीं दी, या हमने रिपोर्टिंग में गलती करी है, तो काफी सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे लोगों को पता चलती हैं। बिल्कुल। और आगे चलते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं आपके, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। तो देखिए ये भी एक कहानी है। तो मैं जनरली ना क्योंकि हमारे पास में ज़मीन है बहुत सारी, तो ऑफकोर्स को बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं मैं अगर ज़मीन में लगाती हूँ तो उनका गमले से डबल ट्रिपल उनकी ग्रोथ होती है। तो हमारे घर में ना पूजा बहुत करते हैं, आपने देखा मेरे भी प्लांट्स जो है पूजा के हमेशा से हैं। जब मैं पहले घर में आई थी, मेरी शादी हुई थी, तब भी मेरे पास साथ में जो केले का पेड़ था वो मेरे साथ आया था। तो मैं भी पूजा बहुत करती हूँ, प्लस मेरे जो इन-लॉज हैं वो लोग भी बहुत पूजा करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है पूजा का, भगवान को पुष्प अर्पित करना। और इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो कि आपके लॉन के ही पुष्प आप रोज अर्पित कर पाएँ। तो ये जो आपने वाटर लिली का कलेक्शन देखा, ये रोज़ मेरा जैसे ही फूल खिलता है वो हमारे भगवान जी हैं उनके चरणों में जाता है। प्लस आप देखेंगे ये जो सारा का सारा साइड है, देखिए फिर पूजा के जो कुछ प्लांट्स होते हैं, एक गुड़हल जो होता है जी, वो पूजा का बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है, लाल रंग का गुड़हल,
इज बेस्ट फॉर लक्ष्मी जी, सबसे ज्यादा खुश होती हैं और मेरे ख्याल से लक्ष्मी जी को खुश तो हर कोई करना चाहता है। सो हमने यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने गुड़हल लगाया है, ये लाल नहीं है ये पीला है, लेकिन हमने यहाँ लाल वाला भी लगा लिया है। इसमें बहुत फूल खिलते हैं सुबह से शाम तक, मतलब कि एवरी सिंगल डे जब हम रोज सुबह उठते हैं तो इसमें बहुत पूरा ना फूलों से भरा हुआ होता है। तो दिस इज वन थिंग। ये जो साइड है ये पूरी की पूरी रो आप देखेंगे इसमें गुलाब ही गुलाब है। और क्योंकि ये जमीन में लग रहा है तो ये सफ़ेद रंग का गुलाब है, इसमें बहुत फूल उगते हैं। एक एक साथ आप देखेंगे कि 20-20 गुलाब एक साथ निकल रहे होते हैं। ये वाला जो फ्लावर है ये यू नो शेडेड है, और इस शेडेड में देखिए इतना बड़ा बड़ा फूल जो होता है सर्दियों में, क्योंकि गुलाब जो है अगर देसी गुलाब है तो वो गर्मियों में उगता है, जो परदेसी या विदेशी गुलाब जिसको कहते हैं वो सर्दियों में उगता है, उसमें खुशबू नहीं होती। तो इसके इतने बड़े बड़े फूल जो होते हैं ये सर्दियों में यहाँ पर, इतने बड़े बड़े फूल जो होते हैं या सर्दियों में यहाँ पर खिलते हैं। तो ये अलपूरी लाइन जो है मेरी गुलाबों से ही भरी हुई है। इसमें पीला है, लाल है, पिंक है, मिक्स शेड है, सब तरीके के जो है इसमें यहाँ पर रोजेज हैं। प्लस ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा पेड़ है, ये मेरे ख्याल से आप सब जान गए होंगे, ये हारसिंगार का पेड़ है और हारसिंगार को पारिजात भी कहा जाता है। तो मैंने जब ये लॉन बनाया था तो मेरी बड़ी ही महत्वाकांक्षा थी कि मेरे यहाँ पर भी एक इसका पारिजात का पेड़ हो, और जब मैं सुबह उठूँ तो उसके नीचे सारे में वाइट कलर के फ्लावर्स जो उसके ऑरेंज डंडी के साथ में होते हैं वो हों, और मैं उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना खुशबू वो मुझे मिले। बहुत सालों बाद ये मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है जी। एक पेड़ पहले यहाँ लग रहा था, वो कई सालों तक लगा रहा, उसमें फूल नहीं आए जी। फिर फाइनली हमने पेड़ बदला और ये मेरे ख्याल से 1.5 साल पुराना पेड़ है और इसमें इतने फूल खिलते हैं। तो वो जो मेरी एक दिनकर जी की मेरे ख्याल से एक कविता थी जिसमें वो बताते हैं कि माँ सुबह नहा करके आई, उसने पारिजात के फूल जो थे वो इकट्ठे करे और मेरे सिरहाने आ करके रखी, वो मेरी कल्पना में हमेशा रहती थी। क्या कविता थी बताएंगे हमारे व्यूअर्स के? वो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, बट इट वॉज समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बचपन में कभी पढ़ी थी हिंदी की किताब में कि माँ सुबह उठ करके आई, उन्होंने वो माँ के गीले गीले केश और उन्होंने पारिजात के जो फूल थे वो ला करके मेरे सिरहाने रखे और खिड़की में से हवा आई और वो मेरी पूरे कमरे में आ गई। तो वो जो उस कविता का एहसास है ना वो आज भी मेरे साथ है। तो वो जो है वो इस फाइनली ये पेड़ मेरे पास में आया और जिस दिन पहले दिन यहाँ पर फूल खिले मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। और ग्रोथ मैम काफ़ी अच्छी हो रही है, ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हो रही है। आई द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इसकी जमीन में लग गया, जमीन में लग गया, इस वजह से डेफिनेटली बहुत 10 फीट से भी फ्रेंड ये ज़्यादा हो चुका है बिल्कुल। और फ्लावरिंग की तो बात आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि सुबह सुबह खिलता है ऑब्वियसली, तो अपन को शाम को इसके फ्लावर्स जो है वो नहीं मिल पा रहे जी। फिर आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो है तो मैंने इसके नीचे थोड़ा एलोवेरा लगा दिया है। ये पाम है, ये पाम वही अभी धूप सर्दी क्योंकि बदल रही है तो अभी मैं आपको अपना लॉन जो है बिल्कुल रॉ तरीके से दिखा रही हूँ। तो ये फिर आप ये देखेंगे मैंने चारों तरफ हेज लगा रखी है जी। और ये मैंने अपराजिता भी 3 रंग का आता है तो मुझे ना बीच में बेल का बड़ा शौक चढ़ा था तो अपराजिता ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करा तो मैंने अपराजिता मेरे यहाँ 3 जगह लगाई हुई है। एक नीली अपराजिता, 2 नीली अपराजिता हैं लेकिन उन दोनों के फूल बड़े डिफरेंट हैं। एक के बड़े बड़े अपराजिता के फूल आते हैं, एक के छोटे आते हैं और एक सफ़ेद रंग की अपराजिता लगाई है। और ये अपराजिता हमेशा राखी के अराउंड बहुत बढ़िया ब्लूम करती है और मेरी हर साल की जो राखी की थाली होती है मैं अपराजिता के फूलों से ही सजाती हूँ। आप मेरे भी इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा कि हर साल मेरी पूजा की थाली जो राखी की थाली होती है उसमें राखियाँ जितनी सुंदर होती हैं उतने ही सुंदर होते हैं ये फूल। सो आगे चलते हैं संदीप जी, आपको और दिखाऊं मैं कुछ? तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि अभी ये मेरा विंटर फ्लावरिंग चल रहा था सारा का सारा, तो ये मैंने गजनिया लगा रखा है सारा यहाँ पर। तो यहाँ इस साइड मैंने गजनिया लगाया है काफ़ी सारा, वो मेरा चलता जा रहा है। प्लस यू कैन सी कि ये जेट्रोपा है जिसमें कि जेट्रोपा से जनरली लाल आते हैं, ये पिंक कलर का जेट्रोपा है, ये मुझे मेरे यूनिवर्सिटी से मिला था और मैंने इसको यहाँ लगाया। मैंने भी मैक्सिमम रेडी देखे हैं ज़्यादातर। एग्जैक्टली तो ये जेट्रोपा जो है ये पिंक कलर का जेट्रोपा है, बहुत सुंदर है। तो देख लीजिए फ्रेंड ये पिंक जेट्रोपा भी आपने आज देख लिया है। वैसे मैक्सिमम मैं नर्सरीज में दिल्ली में जब विजिट करता हूँ तो मुझे अभी तक तो रेड ही नजर आया है। तो हम दूसरे एक सेक्शन में आ गए हैं जी। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया मैंने जब अपना लॉन बनाया था तो राजस्थान को लेकर के अगर 2 प्लांट्स का अगर मैं नाम लूँ जो कि सबसे ज़्यादा सस्टेन करते हैं यहाँ पर और उनको यहाँ की धूप गर्मी
और जहाँ की रेतीली मिट्टी होती है, जहाँ पर कि पानी टिकता नहीं है, उसमें अगर दो प्लांट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं, एक तो अडीनियम होता है विच इज़ कॉल्ड एज डेजर्ट रोज, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, दूसरा होता है बोगनविला। तो बोगनविला जो होता है, देखिए ये मैंने एक तरीके का बोगनविला लगाया है यहाँ पर, इसके पिंकिश फ्लावर हैं, प्लस ये दूसरा बोगनविला यहाँ पर लग रहा है। मेरे पूरे लॉन में बहुत सारे तरह तरह के बोगनविलास लग रहे हैं। दिस इज़ द टिपिकल वन, पिंक प्लस इसके अंदर वाइट जो इसकी कली आती है वो, ये थोड़ा सा अलग है उससे, बहुत सुंदर लगे। तो ये एक हो गया, एक जो है ये साइकस है। साइकस जो होता है अगेन बहुत ही खूबसूरत होता है। मैं थोड़े दिन पहले आगरा गई थी, आगरा में जब मैंने देखे जो ताजमहल के अंदर जो साइकस लग रहे थे, देखने लायक थे। उन साइकस की हाइट इतनी थी और वो इतने बड़े बड़े थे, तो बहुत ही सुंदर साइकस थे। और ये भी क्योंकि मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है, आप इसका देखेंगे, इसका जो तना है वो देखिए कितना बड़ा होता चला जा रहा है। जी बहुत ही जल्दी भी हो जाएगा मैम वैसे ही। हाँ। और पीछे अगर आप देखेंगे तो एक और बड़ा हार्डी प्लांट मैंने जो है वो लगा रखा है, ये आप देखिए, ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट भी दो तीन वैरायटीज़ में आता है, ड्रॉफ भी आता है, बड़ा भी आता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वैरायटी जो कि मैंने ज़मीन में लगा रखी है। और मज़े की बात ये है, ये मैं कहीं से उखाड़ के ले आई थी, मतलब किसी ने उखाड़ के फेंका था, मैं उसको उठा ले आई और मैंने यहाँ लगा दिया। और अब मेरे पास इतने गमले बन गए हैं और ये इतना सारा लग रहा है कि पूछिए मत। वैसे ही अगर आप बीच में आप देख रहे हो तो ये लिली खिल रही है इसमें। ये जो लिली है ये भी मैंने यहाँ पर, मैंने जैसे आपको बताया मुझे बड़ा शौक है कि मैं एक साथ ना बहुत सारे प्लांट्स लगाती हूँ। तो ये वाइट कलर की लिली है विद पिंकिश टोन, मेरे पास एक रेड कलर की लिली है। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर रेड ही रेड खिल रही होती है, क्योंकि इन लिलीज का ना टाइम अलग अलग आता है। पहले रेड वाली खुलती है, फिर ये थोड़ी सी पिंक वाली खिलती है। मेरे पास तीन लिलीज हैं, एक वाइट कलर की, एकदम झक सफ़ेद लिली और है वो है। ये आप देखें, ये भी राजस्थान का सबसे ब्यूटीफुल और अमेजिंग प्लांट है। दिस इज कॉल्ड एज अगेव। अगेव में बहुत वैरायटीज आती हैं। दिस इज़ द येलो स्टोन वाला अगेव। तो ये मैंने ज़मीन में लगाया और इसमें से मैंने एक वीडियो और बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ना इसके सारे जो पप्स थे, तो जो प्लांट के अंदर से बेबीज निकलते हैं उनको प्लांट पप्स भी बोलते हैं, तो मैंने वो यहाँ से सारे के सारे अलग करे थे, वो मैंने अलग लगा दिए। और ये जो है तब से और ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। दिस इज़ लाइक अ जायंट फ्लावर और ये बड़े मज़े से यहाँ पर रहता है। और थोड़ा सा इसमें कांटे होते हैं तो थोड़ा सा इससे ध्यान रखने की ज़रूरत है। देन सारे के सारे मेरे दूसरे प्लांट्स हैं यहाँ पर, जिसमें कि फर्न्स हैं प्लस डिफिनबेकिया है। डिफिनबेकिया पता है इज अ टिपिकल प्लांट फॉर राजस्थान। कई बार डिफिनबेकिया को उगने में राजस्थान में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर आप चले जाएँ पूना चले जाएँ बैंगलोर चले जाएँ, आपको सड़क किनारे नीम के पेड़ की तरह से लगे हुए दिखते हैं। तो जलवायु का, मॉइस्चर इन द सॉइल का, इन सब चीज़ों का प्लांट्स पे, प्लांट्स की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और मैम जितनी भी नर्सरीज होती है ना, जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं वो पुणे से ही लेकर आते हैं वो। हाँ, ज्यादातर होलसेल नर्सरीज पुणे और कैलकटा में होती है। पुणे है, कैलकटा है, भीमताल नैनीताल में सक्यूलेंट्स बहुत आते हैं। भीमताल नैनीताल में सक्यूलेंट्स होते हैं जी। तो मतलब क्योंकि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है, बैंगलोर से प्लांट, हाँ बैंगलोर से आते नहीं है लेकिन हाँ बैंगलोर का भी बहुत अच्छा है। बैंगलोर में क्योंकि पुणे से ही वहाँ पे चले आते हैं प्लांट, इसलिए बेसिकली जो पुणे है वहाँ पे इसलिए प्लांट ऐसे हैं क्योंकि वहाँ का जो नेचर एनवायरनमेंट है वो इसके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ की जलवायु ही ऐसी है, जब ना एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है ना एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, तो प्लांट्स का सर्वाइवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और पुणे में अगर आप जाके देखेंगे तो यू नो इंडोर वराइटीज और न्यू वराइटीज का वो एक हब है। वहाँ पर एक सोलापुर करके एक जगह है जहाँ पर लाइन से नर्सरीज है और बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज हैं और इंडोर प्लांट्स वाली भी नर्सरी। दैट्स लाइक यू नो, मैंने जब अपना वीडियो करा था तो मैं ये कहती थी इट्स लाइक अ रिटेल स्टोर। ऐसा लगता है आप डीमार्ट में पहुंच गए पौधों के, लेकिन वो रिटेल करते नहीं है। हाँ, वो जनरली रिटेलर्स को बेचते हैं, वो सिर्फ नर्सरीज हैं उन्हीं के साथ डील करते हैं। और आगे चलते हैं, ये आ गया सेक्शन इनका, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैम ने बताया पाम्स वगैरह हैं, तो वो सभी आपको यहाँ देखने के लिए। एग्लोनेमास हैं, कुछ बॉक्स प्लांट्स रखे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर मैम का लॉन है। मतलब 50 साल पहले आपने बाहर से विदेश से सीड मंगाए थे और उस टाइम जो जो ग्रो किए थे वो सारे पौधे आपके अभी तक चल रहे हैं आपके। ये लगभग 16 फीट का अडेनियम है आपके सामने और देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। Thank you.
टाइम्स भी सकुलेंट्स ही है।